मनुष्य मन बुद्धि द्वारा जीवन की गहराई की था मनुष्य कभी नहीं पा सकता। ये निगूढ़ता है शिव तत्व। अक्सर हम जब पत्थर को निर्जीव वस्तु कहकर ठोकर लगाते हैं तो सोचिए हम कितने ठीक होते हैं। हमें भी वापस ठोकर लगती है ना, वो नहीं लगाता पर मौन रहकर भी हमें यह संदेश दे जाता है कि अच्छा पाना हो तो अच्छा करो। मंदिरों में पत्थर की ही मूर्तियों की पूजा होती है। छत्रपति शिवाजी को एक बार अपनी प्रजा के अन्नदाता होने का अभिमान हुआ तो उनके गुरु समर्थ रामदास ने उस अभिमान के अंकुर को वहीं कुचलने के लिए उन्हें सामने पड़े पत्थर को तोड़ने को कहा। तोड़ा तो उसके अंदर पानी था और एक जिंदा कीड़ा भी। तब रामदास जी ने कहा, इस ठोस पत्थर के अंदर कीड़ा और उसका खाना पीना सब तुम्हें ने दिया था ना। शिवाजी उनका मर्म समझ गए तो उस कीड़े का जन्म पालन पोषण रक्षण उसी पत्थर में हुआ। उसकी दुनिया वही थी। गौतम पत्नी अहिल्या भी पत्थर रूप में ही पड़ी थी जब भगवान राम के चरण का स्पर्श पाकर उसका उद्धार हुआ। मुहावरों में भी पत्थर का उपयोग मील के पत्थर के रूप में किया गया है, यानी कोई ऐतिहासिक अथवा विशेष घटना या उपलब्धि। तो पत्थर भी ब्रह्म ही है। सर्व ब्रह्म रे, क्या निर्जीव और क्या सजीव, क्या पापी और क्या पुण्यात्मा, क्या हे और क्या श्रेय, सब एक अद्वितीय ब्रह्म के ताने बाने में चित्रित है। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। രാത്രി ഇരുട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പലതിനെയും കാണാനോ തിരിച്ചറിയാനോ കഴിയുന്നില്ല. ഇതുപോലെ പരിമിതങ്ങളായ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും അളക്കാൻ കഴിയില്ല. एक निश्चित समय पर जन्म लेना कुछ वर्ष जीकर मृत्यु को प्राप्त होने का नाम है जीवन। अक्सर ऐसा ही सोचते हैं लोग। जीवन एक नदी जैसा है। इसके किनारे रहने वाले लोग बड़ी सी नदी का एक ही भाग देख पाते हैं। तो क्या नदी उतनी ही है जितनी उन्हें दिखाई देती है? नहीं, नदी के स्रोत या गंतव्य को हम न देखते हैं न जानते हैं। ऐसा है जीवन भी। आदि अंत नहीं, निरंतर बस बहती ही रहती है, आवृत्ति होती रहती है। एक प्रचंड प्रवाह है जीवन। मनुष्य मन बुद्धि द्वारा जीवन की गहराई की था मनुष्य कभी नहीं पा सकता। ये निगूढ़ता है शिव तत्व। रात की गहनता और निगूढ़ता दिन जैसी नहीं,
दिन के सूर्य प्रकाश में हम सब कुछ देख जान सकते हैं, पर रात के समय हमारी इंद्रियां कुछ भी देख या समझ नहीं पाती। इसी प्रकार हम अपने मन और इंद्रियों से ईश्वर की था और व्यापकता को नाप नहीं सकते। मनुष्य के मन द्वारा अप्राप्य और गहन ईश्वर का प्रतीक है शिवरात्रि। सृष्टि, स्थिति और संहार का संचालन करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों संचालक कोई अलग अलग शक्तियां नहीं हैं, एक ही प्रपंच शक्ति के तीन पहलू हैं। माँ के गर्भ में प्रवेश करने के समय से लेकर हमारे शरीर व प्रपंच की प्रत्येक वस्तु में सृष्टि, स्थिति और संहार होता रहता है। शरीर में प्रतिक्षण नई कोशिकाएं जन्म लेती और मरती रहती हैं। इस सब के बीच संचालन की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है, पर हमें इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम नित्य घटित हो रहे सृष्टि और संहार से अनभिज्ञ रहते हैं। अपने देह, मन व प्रत्येक वस्तु में बेरोक टोक चल रही इस सृष्टि, स्थिति, संहार की प्रक्रिया को हम भूल जाते हैं। बचपन की तस्वीरों को देखें और बड़े होने के बाद की तस्वीरों को देखें तो हम अचंभे में पड़ जाते हैं। इतना परिवर्तन आ जाता है शरीर में। हर पल होने वाले इस अपरिहार्य परिवर्तन के पीछे एक अनंत और अव्यक्त परम शक्ति है शिव। शिवरात्रि से संबंधित कई कथाएं हैं, उनमें से एक समुद्र मंथन की भी है। मंदराचल को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देव और असुर समुद्र मंथन करने लगे, तो वासुकी के मुख से विष निकला जो भूमि को नष्ट करने में समर्थ था। जगत की रक्षा हेतु शिवजी ये विष पीने लगे। पार्वती देवी ने सोचा विष पीकर शिवजी नहीं रहेंगे और उनके गले को पकड़ लिया। विष अंदर ना जाए इसलिए गले को जोर से दबाया और विष बाहर ना आए इसलिए विष्णु ने मुख को। ये है कथा। और तब शिवजी ध्यान मग्न हो गए, विष उनके कंठ में ही रहा और कंठ नीला हो गया। नीला रंग प्रेम का प्रतीक है, नीलकंठ नाम पड़ गया शिवजी का। मंथन समाप्त हुआ तो अमृत प्राप्त हुआ, जैसे सुशील पत्नी गुस्सा पति के गले उतरने नहीं देती। एक अच्छा मित्र अपने मित्र को क्रोधित करने वाला काम नहीं करता। काल कूट के निकलने जैसे अनेकों अनुभव हरेक के जीवन में आते हैं। व्यवहार में थोड़ी बहुत खटपट, नोक झोंक तो स्वाभाविक है ही, तब हम में भी ऐसा ही मंथन चलता है और सर्वप्रथम क्रोध रूपी विष पैदा होता है। यदि हम धैर्य पूर्वक संयम कर लें तो लाभ होगा, अपने को अमृत की प्राप्ति होगी तो हम दूसरों के साथ भी बांट सकेंगे। कालकूट विष को गले में ही रोकने का क्या अर्थ हुआ? षट चक्रों में गला स्थान है विशुद्धि चक्र का। विषम और शुद्धि इन दो पदों को मिलाकर विशुद्धि शब्द बनता है। विष हटाकर शुद्धि करना, ऐसा तात्पर्य। क्या है हमारे अंदर के विष? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दूसरों के प्रति हिंसा के भाव, मद, मात्सर्य आदि कहलाते हैं विष। विवेक व साधना द्वारा हमें इन सब विषों का नाश करना है। विशुद्धि चक्र से आगे आज्ञा चक्र आता है, वो ईश्वर दर्शन का स्थान है। ईश्वर दर्शन के लिए पहले हमें अपने मन के मल को दूर करना होगा, ये संदेश भी मिलता है। शिवजी ने जग हित के लिए विषपान किया, उसी प्रकार यदि हम धैर्य व प्रेम सहित दूसरों के लिए निष्काम कर्म करने का संकल्प ले लें तो विश्व में मंगल ही होगा। तुम्हारे भी सब विचार, वचन और कर्म प्रेम की अभिव्यक्ति हूँ। मैं ये नश्वर देह नहीं, सच्चिदानंद शिव स्वरूप हूँ। ये आत्मज्ञान तुम में उदित हो, करुणा उमड़े तुम में, तुम पर ईश कृपा बरसे।
നമശിവായ. ऑस्ट्रेलियन टूर का दूसरा शहर सिडनी यात्रा का प्रतीक्षित स्टॉप होता है। ये स्टॉप अम्मा के साथ मिलने वाले बहुमूल्य क्षणों से भरपूर होते हैं। ध्यान से लेकर सत्संग,
भजनों तक प्रेम से हृदय लबालब रहते हैं और पल मानो यूं चुटकी में उड़ जाते हैं। इन स्टॉप्स में कुछ औपचारिकता नहीं होती, एक प्रकार का पारिवारिक मिलन होता है जिसमें सत्संग भजन के बाद कहानियों, चुटकुलों, चाय और भोजन के साथ समय बिताकर सब परस्पर बंधते हैं। अम्मा के एक अमेरिका से आए बेटे ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो उसे नित्य प्रेरणा देती है। ये कहानी थी एक कुटिल अमीर आदमी की जो यहां बुरे कर्म करके नरक में गया। ईश्वर ने उसका केस देखकर एक दिन स्वर्ग में रहने को दिया। जब ये आदमी पृथ्वी पर था तो उसने एक कुआं खुदवाया था, परंतु किसी को उसका उपयोग नहीं करने दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात ये कुआं सबके लिए खुल गया। लोग प्रतिदिन उसे याद कर आभार प्रकट करने लगे और इसलिए उसे 2 दिन और स्वर्ग में रहने को मिल गए। उसने फिर कहा, मैं नहीं जानता मुझे अम्मा कैसे मिल गई, शायद मैंने भी अम्मा की शरण में आने के लिए किसी पूर्व जन्म में कुआं खुदवाया होगा। आशा करता हूं कि लोग भर भर पानी की बाल्टियां खींचते रहें ताकि मैं अम्मा के साथ और अधिक समय बिता सकूं। अम्मा एक भजन गाने लगी। मधुर स्वरों और सुंदर शब्दों ने सबके भीतर चिर प्रतीक्षित सत्य की प्राप्ति की प्यास जगा दी। उस व्यापक दिव्य प्रेम की चाह हमारा सहज स्वभाव है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक चहल पहल भरा नगर, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी भी है और विश्व के सबसे आकर्षक पर्यटन केंद्रों में से एक है। एमरल्ड सिटी सिडनी भव्य समुद्र तटों से घिरा है जिसमें सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज जैसे प्रतीकात्मक हीरे छिपे हैं। 50 लाख से अधिक निवासियों वाला यह नगर ऑस्ट्रेलिया के विशालतम नगरों में से एक है। आखिर अम्मा एक वर्ष बाद सिडनी लौट कर आ गई हैं। यहाँ के लोगों ने अम्मा के ही विचारों से स्टेज को खूबसूरती से सजाया है। अम्मा के प्रेम ने उन्हें पिछला वर्ष उनके बिना बिताने की शक्ति दी थी। अब वे अपने प्रत्येक विचार व कर्म द्वारा अम्मा के प्रति प्रेम अभिव्यक्त करना चाहते हैं। उनका संपूर्ण अस्तित्व ही अम्मा के लिए एक प्रार्थना है। सच्चे प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, उस छलकते प्रेम को कोई रोक नहीं सकता, उसे और अधिक प्रेम बहाकर ले जाएगा। अम्मा बच्चों को लिपटाती हैं, बच्चे भी उनसे उतने ही प्रेम से लिपट जाते हैं। वो उनकी माँ हैं, उनकी मित्र, उनकी सबसे प्रिय अम्मा। उन्हें मालूम है कि अम्मा की बाहों में वे सुरक्षित हैं। वो उनके जीवन में कितना आनंद भर देती हैं, या कहें कि वो स्वयं उनके जीवन का आनंद है।
कार्यक्रम का समापन हुआ, किंतु भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा की अभी शुरुआत ही हुई है। उनकी भावनाएं उमड़ आई हैं। अम्मा ने जिस प्रेम व करुणा की वर्षा उन पर की है, उसके प्रति आभार भी है और उनके जाने की उदासी भी। अम्मा के प्रेम की ज्योति अपने हृदय में जलाकर अब वे फिर से जगत का सामना करने को तैयार हो गए हैं।